hello students today we will continue our previous chapter that is human settlements in previous video we have discussed about site and situations of the settlements classification of the rural and uh, rural settlements some important factors which are responsible for these settlements then we have studied about what are uh, Compact settlements, what are scattered uh, settlements, factors affecting the location of these settlements, pattern of these settlements, and the problems of rural settlements. Now, today we will start with urban settlements. <coughs> so, urban settlements have grown at a rapid पेस ड्यूरिंग द रीसेंट पास लंडन वॉज द फर्स्ट सिटी टू रीच वन मिलियन मार्क इन एडी लंडन सबसे पहला शहर था जहाँ पर अर्बनाइजेशन हुआ और एटीन हंड्रेड टेन में वहाँ उसके लंडन के अलावा वन सेवेंटी फ़ाइव सिटीज़ और ऐसी हुई जो कि मेट्रोपोलिटन सिटीज़ मार्क्ड हुई द अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज फ्राम From a uh, परसेंट in एटीन हंड्रेड to forty-eight percent in टू थाउजेंड आते आते ये three percent से लेके आपकी टू थाउजेंड वन में फोर्टी एट परसेंट अर्बन पॉपुलेशन हो गई तो अर्बनाइजेशन यानी बहुत तेजी से इन दिनों बढ़ा नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स हमारे जो अर्बन सेटलमेंट्स से, हैं उन सेटलमेंट्स को सेट होने में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं और उनके आधार पे हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा पॉपुलेशन फिर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और फिर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप तो ये हमारे क्लासिफिकेशन के तीन पॉइंट्स हैं जिनके आधार पे हम किसी भी अर्बन सेटलमेंट का क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे पहले पॉपुलेशन साइज in most of the countries size of the population is taken as basic criteria for maintaining a settlement as urban basically hum log population ke size ke according hi kisi bhi jagah ko urban area बताते हैं क्योंकि उसके लिए सबसे पहला factor अगर कोई ध्यान में होता है तो वो होता है population. अगर शहर की population अगर उस particular area की population बढ़ गई है तो वो हमारा अर्बन एरियाज़ की श्रेणी में आने लगता है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एन प्लेस इन डेनमार्क स्वीडन एंड फिनलैंड हैविंग मोर देन टू फिफ्टी पीपल विल बी कॉल्ड अर्बन जो डेनमार्क स्वीडन और फिनलैंड जैसी कंट्रीज हैं वहाँ पे टू फिफ्टी पर्सन या उससे ज़्यादा पर्सन अगर एक जगह रहते हैं तो वो एरिया जो है आपका अर्बन एरिया कहलाता है इसी तरह से आइसलैंड का एग्जाम्पल ले लीजिए यहाँ पे थ्री हंड्रेड पर्सन हैं कैनेडा और वेनेजुएला में वन थाउजेंड परसें अगर एक जगह है तो वो एरिया अर्बन एरिया है कोलंबिया की जो लोअर लिमिट है वो वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड परसेंस है यू और थाईलैंड में टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड है इंडिया में ये लिमिट जो है वो फाइव थाउजेंड परसेंस है और जापान में थर्टी थाउजेंड पर्सन तो इस तरह से हमारी जो पॉपुलेशन का साइज़ है वो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके से अपने एरियाज़ को अर्बन एरियाज बताते हैं इसके अलावा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन सर्टेन कंट्रीज अर्बन सेटलमेंट्स आर डिफाइंड ऑन द इकोनॉमिक बेस फॉर एग्जांपल इन इंडिया अ सेटलमेंट इज डेजिग्नेटेड एज अर्बन व्हेन इट हैज़ मोर देन सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ इट्स वर्क फोर्स एंगेज इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ठीक है इंडिया में यदि किसी पर्टिकुलर एरिया में आपको सेवेंटी फाइव परसेंट या उससे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है अगर वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड है नॉन एग्रीकल्चरल इकनॉमिक एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड है तो वो पर्टिकुलर एरिया आपका अर्बन एरिया में आ जाता है लेकिन इटली में आ सेटलमेंट इज़ कॉल्ड एन अर्बन इफ मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ द इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन आर एंगेज इन नॉन कल्चरल एक्टिविटीज़ लेकिन इटली में कितना फिफ्टी परसेंट को ही मान लेते हैं कि अगर वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में लगा हुआ है तो इटली जैसी कंट्री में वो जगह आपकी अर्बन एरिया कहलाएगी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स अर्बन सेटलमेंट्स आर आल्सो डिफाइंड सेटलमेंट्स आर आल्सो डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द वे इट इज एडमिनिस्ट्रेड इन इंडिया ऑल दोज सेटलमेंट्स हैविंग अ म्यूनिसपलिटी कैंटोनमेंट बोर्ड ठीक है इंडिया में क्या माना जाता है कि यदि एक पर्टिकुलर जगह पे म्यूनिसपलिटी है कैंटोनमेंट बोर्ड है तो वो हमारा अर्बन है क्योंकि शहरों में ही म्यूनिसपलिटी इंडिया में और कैंटोनमेंट बोर्ड होते हैं तो अगर किसी जगह पे ये दोनों चीज़ें हैं तो वो इंडिया के अकॉर्डिंग अर्बन एरिया है तो इस तरह से जनरल क्लासिफ़िकेशन हमारा इंडिया और वर्ल्ड के प्रोस्पेक्टिव में हमने देखा कि पॉपुलेशन साइज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन के अकॉर्डिंग इसको हम लोग अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसके अलावा डिवीजन का एक और बहुत बड़ा हमारे पास पॉइंट है और वो है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शन ऑफ द टाउन इसमें हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स डिफेंस टाउन्स कल्चरल टाउन्स जिनमें हमारे एजुकेशनल और रिलीजियस टाउन्स होते हैं इसके अलावा हमारे माइनिंग टाउन्स फ़िशिंग टाउन्स इंडस्ट्रियल टाउन्स तो इस तरह से हम लोग इनका अलग अलग टाउन्स का क्लासिफिकेशन करते हैं जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स हैं दीज टाउन्स आर द हेड क्वार्टर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स जैसे इंडिया में न्यू दिल्ली है यूपी का एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन लखनऊ है इसी तरह से बेंगलोर चंडीगढ़ हैदराबाद ये हमारे एडमिनिस्ट भोपाल जय जै, जयपुर पटना दीज आर ऑल इंडियाज़ एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स इसके अलावा टोक्यो वाशिंगटन पेरिस लंदन बीजिंग मॉस्को दीज आर ऑल इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स नाउ डिफेंस टाउन जो हमारे लाइक नेवल बेसिस हैं या हमारे आर्म्ड uh, फोर्स के बेसिस हैं तो ऐसे बे ऐसे जो हमारे टाउन्स डेवलप होते हैं जैसे नेवल बेसिस हैं ये हमारे कहाँ कोस्टल एरियाज में से कोची है बेंगलोर है ये सब सा, सारे तो यहाँ पे हमारे नेवल हेड क्वार्टर्स हैं इसके अलावा जहाँ हमारे कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं तो ये हमारे सारे टाउन्स होते हैं जो कि डिफ़ेंस को ध्यान में रखे होते हैं इसके अलावा कल्चरल टाउन्स जैसे हमारी मेन एजुकेशनल सिटीज़ हैं इंडिया में अलीगढ़ है रुड़की है पंत नगर है वाराणसी है तो ये हमारे पुराने समय से चले आए हुए एजुकेशनल टाउन्स हैं इसके अलावा इंटरनेशनल जैसे हमारी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ है तो इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज़ हैं मशहूर लाइब्रेरीज़ हैं मशहूर स्कूल हैं तो ये हमारे एजुकेशनल टाउन्स कहलाते हैं इसके अलावा रिलीजियस टाउन्स दीज टाउन्स हैव बिकम फेमस ड्यू टू तो देयर रिलीजियस इंपॉर्टेंस जैसे वेटिकन सिटी है हमारे इंडिया में अयोध्या है हरिद्वार है वाराणसी है अजमेर है आपके गोल्डन टेम्पल अमृतसर है तो इस तरह के हमारे अलग अलग शहर हैं तो ये हमारे रिलीजियस टाउन्स होते हैं तो ये हमारा जनरल टाउन्स का क्लासिफिकेशन था थैंक यू सो मच